प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की विधि एवं कथा। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे प्रहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत तीन प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, कथा तीनों की अलग अलग है जो आगे लिखी गई है। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही वह दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तब वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को
काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से कमजोर था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि वह बालक मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती
इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भूल चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।